रहे हैं, जहर खाने के पैसे कहते नहीं है, लेकिन एक दर्जन अखबारात में आधे सफे के इश्तिहारात दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये जो अखबारात में जाती तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं, ये आपके बाप का पैसा है या कौम का पैसा है? मिस्टर चेयरमैन वजीर आजम कहते थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की और अरजानी नहीं लाया तो मैं कपड़े बेचूंगा। मैं वजीर आजम से कहता हूं, वजीर आजम साहब, अगर ये सूरत हाल रही तो कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आकर खुद तुम्हारे कपड़े बेचेंगे। आईएमएफ के अहकाम की वजह से इन्होंने सब्सिडीज खत्म की है। आईएमएफ के पास पाकिस्तान की आजादी को गिरवी रख दिया। आज आईएमएफ के लिए पाकिस्तान के अवाम को वो नचोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का, बिजली का, पेट्रोल और डीजल के उसके बम जो हैं वो गिरा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत जो है वो अपने मराद खत्म नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल कल्चर खत्म नहीं कर रही, करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डाल रही और सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल कर रही है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमारे जजिस, हमारे जर्नल, हमारे एमपीएस, हमारे एमएनएस, हमारे सेनेटर्स, हमारे